जी अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आए हैं सर? मैं लाहौर से हूँ। ओके। और थोड़ा बाइक पास कर लें। जी जी। मैं लाहौर से बिलोंग करता हूँ और मेरी ऑल फैमिली यानी लाहौर से ही है। कितना कर्जा लिया था सर? मैंने, पहली बात यह है कि मैंने तो कर्जा लिया ही नहीं है। मैंने कर्जा लिया ही नहीं था। क्या क्या कर रहे हो? मैं इसलिए यहाँ पे आया हूँ रिकॉर्ड इनके अकील भाई के अपना यूट्यूब चैनल देके इनके ग्रुप में मैंने ज्वाइन किया और मैं इसलिए यहाँ पे आया हूँ अपना बयान रिकॉर्ड बताने के लिए, लोगों के साथ शामिल होने के लिए। मैंने अगस्त के महीने में मैंने लोन जो है एप्लीकेशन डाउनलोड जरूर की है, मैंने एप्लीकेशन डाउनलोड की है, उसके बाद मैंने आईडी कार्ड भी सबमिट किया है, सब कुछ किया है। Okay. लेकिन मैंने लोन नहीं लिया, ना इन्होंने मुझे लोन दिया। आपने जब डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया तो इसका मतलब है कि आप प्रोसेस सर, प्रोसेस में चले गए। जो देखें, जैसे न्यूज में ये बताते हैं सोशल मीडिया पे कि 90 दिन का लोन है। हाँ। तो हम दोस्त बैठे हुए थे, हमने कहा था कि सोचा कि चले हम इसको देखते हैं कि ये सच भी है कि झूठ भी है कि सच है। हमने डाउनलोड किया, डाटा मैंने अपना लगाया, अलाउ किया, मेरे जितने फोन की एक्सेस थी वो ऑलरेडी इनके पास जा चुकी थी। बिल्कुल ठीक। फोन की एक्सेस हो गई, आईडी कार्ड भी सबमिट हो गया, हर चीज हो गई, वो डाटा इनके पास चला गया। ठीक है। अब अगस्त के महीने में इन्होंने मुझे स्टार्ट किया, तकरीबन अगस्त के महीने में मिड में इन्होंने मुझे कॉल स्टार्ट की, सर आपने लोन लिया। मैंने कहा भाई मैंने कहां से लोन लिया? सर आपने इजी लोन से लोन लिया। मैंने कहा भाई लिया तो आप मेरे पास आके मेरे से डबल ले जाओ, मेरे पास से ले जाओ, मैं दूंगा आपको। मैंने लोन नहीं लिया। आप स्टेटस देखें, पैसे आए नहीं थे आपके पास सर? कुछ भी नहीं आया मेरे पास, कुछ भी नहीं आया। आपको इजी पैसा आया जो सर? कुछ भी नहीं आया। गॉड हैव एविडेंस है मेरे पास, कुछ नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, मुझे दिया ही नहीं इन्होंने। मेरा डाटा स्कैम, आईडी कार्ड, एवरीथिंग इज अ स्कैम। उनके पास चला गया। जो मैंने गलती की वो मैं मानता हूँ। मैंने इसके बाद इन्होंने मेरे रियलिटी में ये नवंबर में इन्होंने ऐसी इन्होंने हरकतें स्टार्ट की। ये एक पर्सन नहीं है, ये बाद में जब मेरे साथ जो मिसहैप हुआ, पहले मेरी ऑल फैमिली जितने मेरे मोबाइल में कॉन्टेक्ट थे, इवन के मेरे कजन रिलेटिव यूके में बैठे हुए हैं, सब कुछ ऑल डाटा था मेरे पास। इन्होंने सब पे कॉल्स की कि इन्होंने रेफरेंस थ्रेड करना शुरू कर दिया। ऊपर से सबसे बड़ी बात है, मेरी मोबाइल की जीमेल में मेरा आज से तकरीबन 2012 से लेके मेरे जीमेल में मेरा बैकअप डाटा पड़ा हुआ है। इन्होंने जीमेल से सारा उठाया, मेरी पिक्स एडिटिंग की, मेरी पिक्स एडिटिंग करके मेरे फैमिली को सेंड की, मेरी मिसेज को सेंड की, मेरी वाइफ की पिक्स उनकी एडिटिंग करके मुझे सेंड की। सर इनके पास मेरा डाटा कहाँ से गया? कैसे गया इनके पास डाटा? वो तो आप लोग एक्सेस दे रहे थे सर, एक्सेस चले गई, लोन नहीं लिया। मैं इन्होंने इस कदर प्रेशराइज किया मुझे, खुद वर्ड्स लिख के मेरे पास ऑल सबूत है, प्रूफ है, विद प्रूफ है मेरे पास। और इसके बाद इनके अलावा मैंने साइबर क्राइम में मैंने 2 मरतबा साइबर क्राइम में रिपोर्ट दर्ज करवाई, लेकिन आज तक अभी तक मुझे किसी ने कॉल नहीं की, ना मेरे खिलाफ किसी ने मेरे इन बात पे किसी गवर्नमेंट अदारे ने एक्शन लिया है ही नहीं। गवर्नमेंट है ही नहीं मुल्क में तो। मैंने सर फिर अकील भाई ऑफिशियल जो चैनल है इनका, अकील नोमी भाई का, मैंने देखा यूट्यूब पे आया, मैंने इनकी वीडियो देखी और इन्होंने लोगों को देखा कि जैसे लोगों को ये इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, लोगों में एक जज्बा जगा रहे हैं कि भाई आपका जमीर मर चुका है, आप जाके। और मैंने दो चीजें हैं इसमें, लेट्स क्लेरिफाई ना, दो चीजें हैं। एक तो अगर आपने कर्ज लिया था आपको वापस करना चाहिए। जी बिल्कुल। पहली बात तो ये है कि कहीं से भी किसी दोस्त से लेते हो, बैंक से लेते हो, जो कर्ज लेते हो वापस करना चाहिए। करते हैं बिल्कुल। उसमें अगर आपको मिसकंसेप्शन हुई है टर्म एंड कंडीशन की, तो उसमें एक इखलाकी तौर के ऊपर ये है, 20,000 लिया है तो 10 ऊपर दे के 30,000 तक आपको देना चाहिए, क्योंकि उनकी टर्म एंड कंडीशन है। अगर आपको समझ नहीं आ सकी अलग बात है। अब कहानी खराब कहाँ से होती है कि आप 20,000 अप्लाई करते हो, 15,000 आपको कर्जा मिलता है, लाख रुपए आप उसके ऊपर इंटरेस्ट ले रहे हो। कहानी खराब वहां से होती है। कहानी खराब कहाँ से होती है? जब आपका डेटा सारे का सारा उठा लिया जाता है, जब आपका डेटा सारे का सारा मिस यूज किया जाता है। एतराज उन चीजों के ऊपर है, एतराज इस चीज के ऊपर नहीं है कि आपने कर्जा लिया और आपने वापस नहीं देना। आपने कर्जा लिया तो आपको वापस देना चाहिए। बिल्कुल वो देना चाहिए आपको। सर देखिये मैं ये बात जानता हूँ, मैं जब इन भाइयों जितने भाई हैं मेरे सारे, मैं इनमें देखे सूद अल्लाह माफ करे, सूद लेना ऐसा है कि आपने अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग छेड़ दी। सबने लिया हुआ है, सब भाइयों ने लिया, हर भाई परेशान होते हैं, मजबूरी के तहत ले लिया, मजबूरी के तहत। मैं जब इनके चैनल पे आया, देखा बड़े लोगों ने लिया। सर देखें, जब एक चैनल देखें, एक कर्जा आपने 10,000 लिया, आज 6 दिन के बाद कॉल करना शुरू कर देते हैं, 10,000 के पीछे आप 4,000 रुपया आप सूद ले रहे हैं। टर्म एंड कंडीशन का रोल है ना। थैंक यू। एक इंसान की तो पैसे किस चीज के दे? ये तो सोचना मेरा भाई, इसमें
बार बार कर रहा हूँ, जो आपने लिया है वो आपको इखलाकी तौर पे वापस कर रहा है। बीस हजार लिया, चले जो उसका बैंक का इंटरेस्ट रेट है 21-22-23 बनेगा, उतना वापस करें। उसके बाद आपका क्या करना है? 18,000 रुपया जो लेते हैं ना, 18,000 उसका टोटल तो एक हफ्ते बाद 22,500 अदा करना होता है, लेकिन उसकी एक्सटेंशन अमाउंट 5,000 वीकली पे करनी पड़ती है। वो जुल्म है ना। पाकिस्तान में जो लोगों की एवरेज इनकम ही 20,000 है, तो वो हाउ कैन दे पे 20,000 सर। अब मेरी बहन ने वो बेवा है, उसने लोन लिया ही नहीं, उसे इतना ब्लैकमेल किया जा रहा है जी आपके 60,000 रुपया लोन किया, पूरे रिश्तेदारों में भेजा जा रहा है, हर जगह पे बात की जा रही है, तो उसकी हमारी जब इज्जत ही खराब होगी तो हम पैसे क्यों रिटर्न करें? जबकि मैंने अगर कोई लिया भी था ऐसे 3-4 महीने पहले, उसकी एक्सटेंशन अमाउंट ही लाखों में चली जाती है। हाँ, वो एक्सटेंशन भर भर के। अगर 20,000 को लेता है सर, वो 20,000 कैसे पे करेगा एक्सटेंशन? और इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन लोगों मुख्तलिफ ममालिक से कॉल दिखा रहे थे, कोई साफ पता नहीं कहाँ कर रहे। मुझे तो यकीन करें कि उसके अलावा मैंने कोई ऐप में डाउनलोड किया होगा कुछ अपने मेरा डेटा वगैरह, तो उन्होंने मुझे एक लड़का इंडिया से अपनी मतलब समझने के न्यूड पिक्चर भेजता है, फिर मुझे कहता है 15,000 पे करो, 20,000 पे करो, 30,000 पे करो, नहीं तो मैं तुम्हारी फैमिली में तस्वीरें भेज दूंगा। आपकी फोटो? जी जी, नहीं मेरी फोटो नहीं, वो अपनी फोटो भेजता है। हाँ। कपड़ों के बगैर भेजता है और मतलब इस तरह ब्लैकमेल करता है कि जी मैं मुझे पैसे दे, बेशरम आदमी। उसके अलावा हम देखे, मैं बड़ी जगह पे ईमेल्स कर चुका हूँ, बड़ी जगह पे कोई एक्शन पाकिस्तान में सर, लेकिन बात तो है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट सोई हुई है, इनको नहीं पता, और पूरे पाकिस्तान है जी, गवर्नमेंट है नहीं है बिल्कुल। अगर गवर्नमेंट होती तो ये आप जितनी देर से लगे हुए हैं गवर्नमेंट है सर, अगर आप जितनी देर से काम कर रहे हैं इस पे अभी तक कोई एक्शन हो जाए। जब आपने काम कर रहे थे और दो ऐप थी, तब दो ऐप क्लोज हुई, उसके बाद 50 ओपन कर दी गई, वो डे बाय डे जो इंक्रीज होता ही जा रहा है, और शोर मचाते हैं बंद करो उतनी वो फैलती जा रही है जी। लेकिन सर इसके लिए तो सबसे आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को किसी तरह तो कहे ना कि कम से कम जो परवेज लाई साहब है, चौधरी परवेज, वो अगर वो उन्होंने कुछ सूद पे लेना एक्शन तो स्ट्रॉन्गली इसके ऊपर केस ने। लेकिन जो बुरी बात वो ये है कि अगर एक बंदा ये, अब इन्होंने क्या किया, तीन ऑर्डर दे रहे हैं कि अब तीन ऑर्डर ले लें इजी लोन वाले, तीन ऑर्डर पे कुछ 18,000 ले लेता है, 22,500 तो उसने पे करना है, लेकिन उसे एक्सटेंशन 15,000 वीकली पे करनी पड़ती है, विच इज टू मच। उसी में तो मरता है बंदा, एक्सटेंशन में तो बंदा मरता है, मरता उसमें सर ऑलरेडी लोग लाखों रुपया पे कर चुके हैं और वो खत्म ही नहीं होता। ऐसा ही है, बात फिर वही आती है जब कोई बंदा बैठता है आमने सामने, हम तो चाहते है कि थाने में लेके जाए ताकि ये मामला जो है ना वो क्लियर हो। अगर आप किसी को इस तरह थ्रेट करते जाएंगे तो वो ब्लैकमेल, यकीन करें लोग अपसेट हो गए। मैं कितने रातों से सोया नहीं हूँ, जो लोन लिया ही नहीं उसकी भी हमें मतलब मेरी बहन को थ्रेट मिल रही है, कॉल कर रही है, तो इसके खिलाफ प्लीज कुछ ना कुछ करें। फजर आप कहाँ से आए? जी अस्सलाम जी, मैं इस्लामाबाद से आया जी, सिर्फ प्रोटेस्ट के लिए। मैं एक दो दफा लोन भी लिया था जी, उसके बाद जो है सर उसमें मैं छोड़ देने पकड़ा हुआ, सॉरी जी। मैंने एक एप्लीकेशन से लोन लिया तो उन्होंने भी जैसा भाई ने बताया कि हमने टर्म कंडीशन पढ़ी नहीं और उसको अप्लाई कर दिया, लेकिन एडवर्टीजमेंट हमने सोचा कि भाई 2 महीने के लिए होगा या 90 डेज का टाइम देते हैं, ऊपर लिखा हुआ तो यही आता है जी जी जी। तो जब आपने लोन लिया उनसे, फर्स्ट उन्होंने 5,000 के लिए अप्रूव किया और उसमें कटिंग करके 3,555 ऐसा कुछ दिया उन्होंने, ठीक है, और 7 दिन का टाइम था, तीसरे दिन से कॉलिंग करना शुरू कर दी, भाई आपने पैसे देने, और फिर 3-4 नंबर से कॉल करते हैं और बीच में इंडिया के भी लोग हैं, दूसरे लोग भी इन्वॉल्व हैं, और हिंदी लैंग्वेज में भी लिखा आता है, बांग्लादेश की लैंग्वेज में लिखा आता है जी हम आपका केस, आप अगर पेमेंट नहीं करोगे हम आपका केस जो है आपको फैमिली को ब्लैकमेल करेंगे और कॉन्टैक्ट नंबर को कॉलिंग करना भी शुरू कर दें। ठीक है, इसमें बस यही है कि हम गलती करते हैं जैसा कहते हैं, लेकिन कोई भी आदमी खुशी से लोन नहीं लेता है, जरूरत होती है मजबूरन लेता है ना जो भी लेता है, लेकिन उसमें ये जो है इनका रवैया जो है ये सर सिर्फ हमारी यूथ या हमारे बुजुर्ग आदमी नहीं, हमारी लेडीज भी बहुत सारी इसमें यानी बेचारी हैं, इसमें मजरूम पीसी हुई हैं और वो भी कोई मजबूरी की वजह से नहीं आ रही हैं, सोल्यूशन नहीं किसी के पास, और ये पार्टियाँ जो हैं बहुत लोगों को यानी ब्लैकमेलिंग की हद तक कर रही हैं, और यानी कि अगर आप उनसे एग्रीमेंट करते हैं या कोई डील करते हो कि आपने कोई लोन लिया है तो उनकी टर्म्स कंडीशन है ठीक है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि आप डेटा लेके उसको आप मिसयूज करना शुरू, ब्लैकमेलिंग शुरू कर दें, और ये मोस्टली वो पार्टी है जो अपने ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बना रही है। हाँ, मैं बैक एंड पे तो ये कार्य चल रही है, तो इसके बारे में कर दिया जी, मैंने इनको एक दफा सेंड किया फिर वापस किया, और उसके बाद भी 2-3 एप्लीकेशन से लिया और उसके बाद वापस नहीं किया जी। करने का मूड भी नहीं है, करने का मूड ये है कि देखें अब या तो बंदा कहता है ना कि आपने लोन लिया वो आपने देना है, लेकिन आप उनसे अपनी बेसिस भी कराओ और उसके बाद लोन दो भी, ऐसे तो नहीं होगा, नहीं देना, और अगर देना भी हो इंसान जितना लेता है उतना वापस करे,
बस। लेकिन कुछ सूद तो साथ लगेगा ना, सूद का है कारोबार, तो कुछ सूद तो साथ लगेगा ना। जब बिजनेस